देश खबर 24 और वक्त खबरों का। मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी एवं बेहतर स्वास्थ्य तथा शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे प्रदेश में हिंदू छत्री वाहिनी द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष तरवेंद्र सिंह गहलोत ने कहा कि आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा और संगठन इसको लेकर पूरी तैयारी में जुटा है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष तरवेंद्र सिंह गहलोत ने कहा कि हिंदू छत्री वाहिनी संगठन ने युवा हिंदू छत्री वाहिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मानवेंद्र सिंह गहलोत को नियुक्त किया है, जिसके द्वारा संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपने हिंदू छत्री वाहिनी संगठन की जो छात्र इकाई चलती थी, काफ़ी वर्षों से चल रही है, उसमें छात्र इकाई में कुछ नए गठन किए गए हैं, जिसमें मानवेंद्र सिंह गहलोत जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया छात्र इकाई का, और फिर इनके माध्यम से संभाग, जिला और बाकी छात्र इकाई का भी गठन किया गया है। उसके लिए भी मानवेंद्र सिंह को बहुत बहुत बधाई हो। दूसरी जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है, वो हमारे साथ यहाँ बहुत सारे युवा वर्ग के लोग खड़े हैं जो कि बेरोजगारी झेल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे रीवा विधानसभा में मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, कई सारे लोग यहाँ पे हैं, पर उद्योग को लेके यहाँ पे कोई भी जागरूक नहीं है। यहाँ फ्लाई ओवर बन रहे हैं, समदड़िया मॉल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सब कुछ बन रही है, लेकिन अच्छे उद्योग नहीं डाले जा रहे हैं जिससे इन युवाओं को यहाँ पर रोज़गार मिल सके। आज सभी युवा जो हैं बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे सभी लोग विकास विकास हल्ला कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रीवा का विकास हो रहा है, लेकिन आज भी रीवा के युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, कोई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई ऐसी जगह में जा रहे हैं। तो उच्च शिक्षा का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक सरकार से निवेदन है कि उच्च शिक्षा का यहाँ पे शिक्षा केंद्र डाला जाए, जिससे हमारे युवाओं को बाहर न जाना पड़े। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विचार रखा, मैं 2-3 पॉइंट में अपनी बात रखना चाहूँगा। मुझे सरकार ये समझा दे कि वो विकास युवाओं का कर रही है या बिल्डिंगों का। अगर आप कहते हैं कि युवा इस देश का भविष्य है, मैं पूछना चाहता हूं कि रीवा में आदरणीय विधायक जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो अगर रीवा में इतना विकास है तो रीवा के सभी लड़के, सभी युवा बाहर पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ का सबसे फेमस महाविद्यालय है TRS, ठाकुर रणवर सिंह महाविद्यालय, 15,000 रुपये एक सेमेस्टर की फीस है और 10,000 रुपये का प्लेसमेंट दे रहे हैं, ये कहाँ का विकास है? तीसरी सबसे बड़ी चीज, आप हमेशा मैनिफेस्टो में रखते हो हम ये निर्माण करेंगे, बिल्डिंगें बनाएंगे, कभी मैनिफेस्टो में हमने ये नहीं देखा कि युवाओं को आप रोजगार कितना देंगे। मैं हिंदू छत्री वाहिनी संगठन से, आप सभी मीडिया बंधु से निवेदन है, इस बात का आंसर पूछिए। ना तो किसी युवा को आयुष्मान कार्ड की जरूरत होगी, ना तो उन्हें कोटा में गल्ला की और ना तो उन्हें किसी भी प्रकार के फ्री योजनाओं की। मेरा कहना है कि सरकार हर युवा को खुद में रोजगार दे, कितना सक्षम बना दे कि वो अपना स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज खुद कर सके।